मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए किए गए 13 नामांकन पत्रों की शुक्रवार को जांच हुई। पूरे दिन जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में तैनात अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच में जुटे रहे। देर शाम जांच के बाद डिंपल यादव और रघुराज साग के समेत 6 नामांकन वैध पाए गए। सुभाषपा प्रत्याशी समेत 7 नामांकन निरस्त कर दिए गए। उपचुनाव के लिए 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई थी। इसमें सपा प्रत्याशी डिंपल यादव, भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साग, सुभाषपा प्रत्याशी रमाकांत कश्यप समेत कुल 13 प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। शुक्रवार को इन नामांकन पत्रों की जांच कराई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण के नेतृत्व में अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच में जुटे रहे। जांच में 6 नामांकन वैध पाए गए और 7 नामांकन अवैध पाए जाने पर निरस्त कर दिए गए।